मेरा नाम सीता है, मैं विकास नगर कन्हैलाल पुरवा में रहती हूँ। फिर मेरी लड़की जो है यही पानियर के पास से निकली तो वहाँ एक दिन रोने लगी, बोली कि मम्मी क्या हम भी कभी अच्छे स्कूल में जाएंगे। भारत फाउंडेशन से जो है कुछ लोग आए। सीता जी की बेटी का ये सपना शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत पूरा हुआ। इस अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत सभी निजी विद्यालयों को कक्षा 1 या नर्सरी में 25% सीटें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है। कि इतना हम लोग गरीब थे कि हम अपने बच्चों को कभी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे। हम बिल्कुल हम लोग आप कभी आपका जो है शुक्रिया अदा नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से हमारी लड़की वहाँ से आके यहाँ पे घर पे रोई, हमने बहुत उसको समझाया कि नहीं बेटा ऐसा मत करो, कभी भी जाओगी अच्छे स्कूल में, अगर ऊपर वाला चाहेगा तो जरूर अच्छे स्कूल में जाओगी। चाहे रिक्शा चलाने वाले का बच्चा हो या उद्योगपति का, दोनों एक क्लासरूम में साथ पढ़ सके, इसी सपने को साकार करने के लिए भारत अभ्युदय फाउंडेशन की स्थापना की गई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गौतम राव के शोध से भी यही पता चलता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन गरीब और संपन्न दोनों पृष्ठभूमियों के बच्चों को लाभ पहुंचाता है। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत अभ्युदय फाउंडेशन की साझेदारी का सबसे सफल उदाहरण है पल्स पोलियो के कार्यक्रम के तहत शिक्षा के अधिकार के पर्चों का कई लाख लोगों तक एक दिन में पहुंचना, जिसका परिणाम कि सिर्फ लखनऊ से 5000 फोन कॉल्स 3 दिन में हमारी हेल्पलाइन नंबर पर आई। अभ्युदय फाउंडेशन द्वारा एक अनोखा पहल लखनऊ जनपद में शुरुआत किया गया था। एक आइडिया पे हम लोगों ने ये भी ट्रायल किया गया कि जब ये टीम गांव पे पहुंचते हैं तो ये लाखों बच्चों को जो वैक्सीनेट करते हैं, तो तभी टाइम में जो है राइट टू एजुकेशन के बारे में उन लोगों को अवेयर किया जाए, उनके माता पिताओं को अवेयर किया जाए, उनको एक पैम्पलेट दे दिया जाए ताकि उनको घर बैठे बैठे इस योजना के बारे में लाखों लोगों को समय के अंदर अंदर जो सूचना मिल सके। इस उद्देश्य को पूरा कर पाना इतना आसान भी नहीं था, यहाँ तक कुछ बड़े स्कूलों ने इसका सुप्रीम कोर्ट तक विरोध किया। तो एक स्कूल जो है वो कॉलेज बहुत प्रेस्टीजियस है यहाँ का, वो हाई कोर्ट भी चला गया और उसने बहुत दिन तक इनको लोगों को लड़ाया और गवर्नमेंट को बहुत दिन तक मजबूर किया कि वो दाखिले ना होने पाए। फिर तो अल्टीमेटली हाई कोर्ट के पास यहाँ डिवीजन बेंच में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। इस पूरी मुहिम के ऐतिहासिक परिणाम ये आए कि 2015 में 4,500 एडमिशन हुए, जो 2014 की तुलना में 80 गुना ज्यादा थे। खुशी की बात ये है कि इनमें से 45% बेटियां हैं। साथ ही 2016 में हमारा ये ग्राफ 12,000 से 15,000 तक पहुंचने वाला है। पर्चा मुझे मिला था वहाँ पे विकास नगर में, तो ये नंबर पे हमने मिस कॉल करा तो इस पे कॉल आई, तो हम फिर यहाँ पे ऑफिस में यहाँ पे आए और सर यहाँ पे लोगों ने मेरी हेल्प करी। आज शिक्षा के अधिकार से लाभान्वित हजारों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। अब ये बच्चे गरीबी के कुचक्र से निकलकर अपना भविष्य उज्जवल कर पाएंगे। लोगों में इस योजना की जागरूकता न होने और कुछ बड़े प्राइवेट स्कूलों के विरोध के कारण पूरे उत्तर प्रदेश में 2014 तक सिर्फ 108 एडमिशन ही हुए थे। हमारी संस्था भारत अभ्युदय फाउंडेशन ने इस चिंताजनक स्थिति का जायजा लिया और माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को इससे अवगत कराया। हमें उम्मीद तो थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हमें सपोर्ट मिलेगा, पर इतना बड़ा सपोर्ट मिलेगा इसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी और आज यही कारण है कि हम इस कार्यक्रम को चला पा रहे हैं। सिर्फ दाखिला कराकर हमारा काम खत्म नहीं हो जाता। इस योजना को सफल और सशक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर हम कई और कार्यक्रमों को इसमें शामिल कर रहे हैं।
इस प्रोग्राम में हम प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को सोशल इंक्लूजन की ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि EWS के बच्चे बाकी बच्चों के साथ अच्छे से इंटीग्रेट हो सकें। साथ ही यूनिसेफ के साथ मिलकर हम ई लर्निंग सर्टिफिकेट कोर्स भी डेवलप कर रहे हैं ताकि इंक्लूजन और बेहतर से हो सके। प्रदेश वही आगे बढ़ता है जिसमें पढ़ाई का स्तर अच्छा हो। और जब आज बदल रहा है जमाना, बदल रही है, परिवर्तन लगातार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बहुत बेहतर होगी। मैं 12 होके पुलिस बनूंगा।